दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है कि इन बैंकों में आ रहे हैं 25-25 हज़ार रुपये। हाँ दोस्तों, अगर आपका भी इन बैंकों में खाता है तब आपके भी खाते में 25-25 हज़ार रुपये आएंगे। तो ये कौन सी बैंकें हैं और कौन से आपको कैसे आपको पैसे मिलेंगे, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे। क्योंकि 2019 में सरकार ने एक बहुत बड़ा योजना और बहुत बड़े नियम लागू किए हैं कि सभी के बैंक खाते में 25-25 हज़ार रुपये भेजेगी। तो अगर आपका भी इन बैंकों में खाता है तब आपके भी बैंक खाते में आएंगे 25-25 हज़ार रुपये। चाहे आप विकलांग हो, चाहे आप कोई भी हो, आपके पैसे बैंक में आएंगे अगर आपके इन तीन बैंकों में खाते हैं। तो चलिए आपको बताएंगे कौन सी वो बैंकें हैं और जिसमें 25-25 हज़ार रुपये आ रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एंड तक, और इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिखा देख रहे हो कि यहाँ लोगों के खाते में फिर आए 25-25 हज़ार रुपये, MLA ने कहा मोदी जी से भिजवाओ। तो ये 25 हज़ार रुपये मोदी जी ने भिजवाए हैं सभी के बैंक खाते में। तो यहाँ पे लिखा है, नई दिल्ली, अगर आपकी जानकारी के बिना खाते में एक बार नहीं दो बार पैसे आ जाएं तो शायद आप भी चौंक जाओगे। अगर दोस्तों आपके बैंक में अचानक से पैसे आ जाएं तो आप भी बिल्कुल से चौंक जाओगे। आप कहोगे कि 25 हज़ार रुपये अचानक बैंक में कैसे आ गए। तो ऐसे ही कुछ पश्चिम बंगाल में हुआ है। तो ये पश्चिम बंगाल में ऐसा ही कुछ हुआ है, जिले में हो रहा है। वर्धमान में कई लोगों को बैंक खाते में दोबारा अपने आप पैसे आने से लोग चौंक गए। हालांकि ये किसी को नहीं पता था पैसे कहां से आ रहे हैं। पूर्व बंगाल जिले के केतु ग्राम 2 नंबर पंचायत समिति के सुबलून बलून टोलावाड़ी सेनपाड़ा अंबल ग्राम के जैसे कई इलाकों में लोगों के बैंक खाते में पैसे आ रहे हैं 10,000 से 25,000 की रकम। तो 10,000 से लेकर 25,000 तक बैंक खाते में पैसे आ रहे हैं। जिन लोगों के खाते में पैसे आ रहे हैं उनमें से किसी के अकाउंट में 10,000 तो किसी के अकाउंट में 25,000 रुपये तक आए हैं। यह पैसा यूनिक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और SBI खाते वालों को बैंक में आए हैं। अगर दोस्तों सबसे पहले आप कमेंट में बता दीजिए कि आपके कौन सी बैंक में खाता है, आप हमें कमेंट में बता दीजिए। इसके बाद में मीडिया ने एक मैनेजर बैंक वाले से पूछा, उन्होंने खाते में पैसे आने की प्रश्न की, लेकिन जब उनके पास ये सवाल गया कि पैसा कहां से आ रहा है तो उन्होंने कहा, यह बताया है कि संभव नहीं, खाते में आए पैसे को निकालने के लिए गांव वालों की बैंक के बाहर लाइन लगी हुई थी। तो जो पैसे निकालने के लिए गांव वालों की लाइन लगी हुई थी, तो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। लोगों के खाते में पैसे NEFT के जरिए आ रहे हैं। इस बारे में केतु ग्राम के विधायक शेख शाहजबान ने तंज कसमे हुए कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि पैसे आए तो हो सकता है ये वही पैसे, ऐसे में कुछ ग्रामवासी भी इस सरकार की तरफ से भेजी गई है रकम मान रहे हैं। हालांकि इसके पीछे की पूरी जानकारी सच्चाई क्या है इस बारे में प्रश्न भी अवनाहित है। कटवा सब डिवीजन के अधिकारी सौमेन पल ने इस बारे में पूछने का कहा है, अभी इसके बारे में जांच करी जा रही है। तो अभी इसके बारे में जांच चल रही है कि पैसे ये आए कहां से, अगर ये पता नहीं चल पा रहा है। बैंक के बाहर पैसे निकालने के लिए ग्रामवासियों की बैंक में भीड़ लगी हुई थी। मंगलवार को सुबह से सिबलून गांव के SBI क्रियोस में जाकर ग्रामवासियों को पता चला कि उनके बैंक अकाउंट में खुद ब खुद पैसे आ रहे हैं। इस पर बैंक अधिकारियों समेत सभी लोगों को हैरान कर गए। तो सभी लोग जो थे वो बिल्कुल से चौंक गए कि अचानक से पैसे कहां से आने लगे। तो आप भी फटाक से चेक कीजिए कि आपके पैसे फिलहाल बैंक में आए हैं या नहीं। शायद हो सकता है आपके भी बैंक खाते में 25-25 हज़ार रुपये आ जाएं, क्योंकि इन बैंकों में अगर आपका भी खाता है तब आपके बैंक खाते में 25 हज़ार रुपये आएंगे। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।